व्हाट्सएप गाइस, अगर आपको ये कुछ इसी प्रकार की वायरल वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं जस्ट वन क्लिक में, तो भाई आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा। तो भाई हम इस तरह की वीडियो को एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको अपने VN एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आपको ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो गैलरी है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। तो भाई आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, आपको जिस वीडियो को एडिटिंग करना है, और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये जो वीडियो है यहाँ पे आपको VN एप्लीकेशन में कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। भाई यहाँ पे हमारे नॉर्मल से वीडियो है, आपको भी अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से VN एप्लीकेशन में ओपन करना होगा। ओपन करने बाद यहाँ पे आपको वीडियो के एंड में जो VN एप्लीकेशन का वाटर नंबर था आपको इसे डिलीट करना, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर अब इसका कोई काम नहीं। और भाई इतना सब करने बाद हमें अपने वीडियो में थोड़ा बहुत लाइट को भी एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे भाई एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट में, तो आपको इसे फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। और भाई एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये जो एक्सपोजर दिख रहा है आपको एक्सपोजर का लगभग 20% तक करना हो, तो यहाँ पे मैं लगभग 20% का, तो आपको भी 20% करना होगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट वाले ऑप्शन पे आएगा, और भाई आपको कॉन्ट्रेस्ट को माइनस करना होगा लगभग 10%, तो यहाँ पे मैं -10% करता हूँ। और उसके बाद जो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे आना होगा, ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको भी इसे लगभग 15-20 करना होगा कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद में जो सेचुरेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको सेचुरेशन वाले ऑप्शन पे चले आना होगा। भाई सेचुरेशन वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको इसे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसे अपने एडजस्ट करना हो, तो यहाँ पे मैं इसे लगभग 50% करता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो को अकॉर्डिंग इसे अच्छे से एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना होगा, क्लिक के बाद यहाँ पे हमारा वीडियो है कुछ इस प्रकार से एडिट हो गया, थोड़ा बहुत इसमें लाइट आ गया जिससे हमारे वीडियो देखने में वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसमें वीडियो को ऐड करेंगे। तो भाई वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ पे थे ऊपर में तीन ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है टैप टू एडिट कर PIP वाला, तो भाई आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो गैलरी है कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। तो भाई आपको जिस वीडियो को अपने वीडियो को ऊपर लगाना है आपको सिंपली उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। और जैसे आप वीडियो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको जो वीडियो है कुछ इस प्रकार के ओपन होकर आ जाएगा। और भाई ओपन होकर आने बाद आपको हल्का सा एंड में चले आना होगा, तो हल्का सा एंड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फील का और एक फिट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो भाई आपको इसे फील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना हो। जैसे आप फील वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये जो वीडियो है ऊपर वाला आपके नीचे वाले वीडियो पे बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। और भाई एडजस्ट होने के बाद आपको हल्का सा एंड में फिर आना होगा, तो यहाँ पे आपको भाई एक मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा ये वाला, तो भाई आपको ऐसे मार्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट में लिनियर का ऑप्शन दिखेगा आपको सिंपली लिनियर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से एक लेयर आ जाएगा, तो आपको दोबारा से इसी पे क्लिक करना होगा। और जैसे दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो वीडियो है नीचे वाला भी दिखेगा और ऊपर वाला भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से बीच में करना होगा। बीच में करने बाद इसके जो नीचे वाला तीर दिख रहा है आपको इसे हल्का नीचे प्रेस करना होगा कुछ इस प्रकार से। जैसे हल्का नीचे प्रेस करेंगे आपका जो वीडियो है वो आपके पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे देखते। और भाई एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना होगा, और भाई हम इसमें लिरिक्स वीडियो को ऐड करेंगे। तो भाई लिरिक्स वीडियो को ऐड के लिए यहाँ पे फिर से आपको टैप टू एडिट कर PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना होगा। और भाई वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करने पर आपको लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जो कि आप उसे YouTube से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस लिरिक्स वीडियो का जो लिंक है मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई डाउनलोड करने बाद आपको इसे VN एप्लीकेशन में ओपन करना होगा। ओपन करने बाद इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है हमें रिमूव करना होता है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से बड़ा करना होगा। बड़ा करने बाद आपको यहाँ पे जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है भाई आपको इसे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप लाइटनेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ आप स्क्रीन को सिलेक्ट करिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा बेटर होता है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद हमारा जो लिरिक्स वीडियो है यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो गया। यहाँ पे आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसे अच्छे से एडजस्ट करते हैं, आपको ऊपर में चाहिए या नीचे में चाहिए, तो यहाँ पे मैं बीच में रखता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा जगह खाली है, तो यहाँ पे आपको बीच में इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करना होगा। और भाई एडजस्ट करने के बाद हमारा जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट हो गया है। यहाँ पे आप वीडियो को देख लीजिए कि हमारा जो वीडियो है यहाँ पे इस प्रकार से एडिट हो गया। आप भी अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से एडिट कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक में। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने वीडियो को एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें गैलरी में सेव करना होगा। तो भाई गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर से एक नीला वाला तीर दिख रहा है, तो भाई आपको इस पर क्लिक करना होगा। और भाई जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको जो नीचे वाला दिख रहा है आपको इसे इस तरह से कम करना होगा। कम करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे यह जो वीडियो है वो आपके गैलरी में बहुत ही तेजी से सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आप उसे इंस्टाग्राम पे डाल के अच्छा खासा व्यूज ला सकते हैं। तो मिलता है किसी यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।